हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आज हो गई है 15 अक्टूबर और लाइव टेस्ट बॉलीवुड पे एक्टिव है। सो सीजीएल का लाइव टेस्ट टेस्ट बुक पे भी एक्टिव है, लेकिन वो शायद मैं ना दे पाऊँ क्योंकि मुझे भी तैयारी करनी है, ठीक है। और दो दो वीडियो जो है रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो ये वीडियो आप देख लो, वॉइस के साथ है, रात का टाइम हो रखा है, 8 बजने वाले हैं। सो रात को मुझे यहीं रुकना पड़ता है, इसीलिए थोड़ी दिक्कत आती है, तो वरना मुझे वीडियोज रिकॉर्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो चलो फिर बॉलीवुड का टेस्ट शुरू करते हैं। होपफुली आपकी बार टेस्ट थोड़ा हल्का सा टफ है, सो कोशिश करेंगे 320 क्रॉस करें, ठीक है। ओके सो लेट्स स्टार्ट। ओके सो करते हैं इधर थोड़ा सा छोटा, इधर। ओके पोलैंड बांग्लादेश ढाका, अल्जीरिया दिनार, स्वीडन करोना, बांग्लादेश ढाका, ठीक है। बाकी सारी की सारी जो है वो करेंसीज हैं ये इसकी। अरे यार क्या ये बकवास। 3 फीमेल ABC, 3 मेल PQR, सर्कल ठीक है, फेसिंग टुवर्ड सेंटर, मेल फेसिंग अवे सेंटर, बी इज इमीडिएट टू द राइट ऑफ आर। ओके बी इज इमीडिएट टू द राइट ऑफ आर, आर यहाँ पे है, और फेसिंग अवे टू द राइट ऑफ आर यानी कि यहाँ पे है कौन, बी। ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, क्यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, ओके ये देखना पड़ेगा थोड़ा सा। बी इज इमीडिएट टू द राइट ऑफ आर, ये तो हो गया। ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू जो है वो मेल है और मेल आउटसाइड सेंटर है। 1 2 3 ठीक है, यहाँ पे है ए। क्यू इज इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ सी, इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ सी यहाँ पे है, सो बी के अपोजिट में सी बैठेगा, ठीक है। फेस इज बी, बी के अपोजिट में सी है, सो नेक्स्ट। 4 17 ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, 1 मिनट यार, ठीक है ठीक है ठीक है। 9 34 6 एक साथ आएगा, 11 44 है यानी 44 37 आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ई, P is the husband of Q, so E is the husband of B. B is mother of D. D is grandson of A. यानी कि A यहाँ पे है, and A is husband of C, and C is sister of G. ठीक है। सो हाउ सी रिलेटेड टू डी, सी रिलेटेड टू डी, ग्रैंड मदर लगी ना, सो नेक्स्ट। ओके ये दे रखा है, सो टी इज हस्बैंड ऑफ एस, एस एस इज डॉटर ऑफ क्यू, क्यू क्यू इज वाइफ ऑफ पी, पी पी इज ब्रदर ऑफ यू, ठीक है। S is related to U. S जो है वो नीस लगी है ना, ठीक है। नेक्स्ट चलो, ठीक है। 25 पंजे 25 चौगा 100 पंजे, होना में 2, नहीं 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 कुछ और आएगा इसमें, देखते हैं एक बार। 12 96 बटे में 12, स्वाट -36 है ना, ठीक है ठीक है, माइनस होगा शायद। ओके 45 -15 30 आ गया, तो ये करेंगे 24 96 बटे में 24, माइनस में 72, सो 24 24 0 24 96 104 में तो बेहतर गया, सो लास्ट में 2 आएगा। ओके
सात है, तीन दस, ये आएगा। ओके, फ्यू ट्रेन्स आर क्रेन्स, यार ये क्या है ये बकवास, फ्यू ट्रेन्स आर ग्रेन्स, नो रेन इज ट्रेन, नो रेन, ऑल ट्रेन इज ग्रेन, ऑल रेन इज ग्रेन, ओके रेन, ठीक है, सम ट्रेन इज रेन, गलत है, ऑल ग्रेन इज ड्रेन, ऑल ग्रेन इज ड्रेन इज अ पॉसिबिलिटी, गलत है, पॉसिबिलिटी भी नहीं होगी क्योंकि ये है ही नहीं ना, जब नो रेन इज ड्रेन पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद ये आ गया, ये था इधर हो गया, ये था तो उधर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ये फिर लास्ट में आएगा, लास्ट में इधर ये है, ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा इसमें भी, सेकंड, और तो कुछ नहीं ना, नहीं और कुछ नहीं है, सो लेट्स गो, द फ्रेग्रेंस ऑफ ब्लूमिंग लाइलैक्स, क्या है ये लाइलैक्स, फिल्स द एयर विद अ डाइवर्सनेस वाले परफ्यूम, स्वीट है, स्वीट नॉस्टैल्जिक परफ्यूम है ना, ठीक है, फिर रिवर नाइल है, बिल्डिंग, बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, ठीक है ना, बुर्ज खलीफा एक बिल्डिंग है, बाकी सारे तो कुछ ना कुछ और चीज है। 31 इंटू क्या हो सकता है, 33 से कटेगा, 33 से कटेगा, ठीक है, सो फर्स्ट हो सकता है, सेकंड और फोर्थ हो सकता है, 31 गुणा में 86 प्लस में 72, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा 36 माइनस में 86 प्लस में 72 इक्वल टू, ये भी नहीं होगा, ठीक है, लास्ट वाला देखते हैं, 31 प्लस में 86 माइनस में 72 इंटू में 198 बटे में 33 इक्वल टू 269, ये हो सकता है, यानी कि 11 गुणा 3 है, 11 एक हम 11 आठ, 11 88, 3 तक गया 6 पे, ठीक है, ये गया कितना बचा 14, तो 31 है प्लस में 14 गुणा में 6, 14 6 84, नहीं ये भी नहीं होगा यार, अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। प्लस में ये माइनस गुणा में है तो यही यार, ये 14 6 84 प्लस 31, नहीं ये नहीं होगा, इसका मतलब ये हो सकता है फिर, इकतीस गुणा में 14 माइनस में 198 प्लस में 33 इक्वल टू, ये तो नहीं बनेगा ना, या बनेगा, 14 42 43 माइनस में 198 प्लस में 33 यानी कि 401 नहीं 34 68 437 17 में था 8 9 और 12 में 9 गए 3 अरे ये 67 था यार 5 15 में 9 गए 6 और इसका मतलब यही है फिर तो आंसर, नेक्स्ट चलते हैं, सी बी सी बी सी बी के बाद क्या है, सी बी पी आर सी बी पी आर सी बी यानी कि ए सी बी, ठीक है, ए सी बी पी आर पी आर क्यू क्यू ए सी बी पी आर क्यू ए सी बी पी आर क्यू ए पी क्यू सी आर ए पी क्यू सी आर ए यही है, नेक्स्ट चलते हैं, नैनोगन 9 होते हैं पेंटागन में, ऑक्टागन में डेडोगन डेकागन डेकागन में 7 नहीं होते, ऑक्टागन में 8 होते हैं, पेंटागन में 5 होते हैं, इसका मतलब डो डेक
कागन में 12 होते होंगे, ठीक है। इसके बाद है इन सर्टेन लैंग्वेज पेंटागन रिटन एज ए ई जी एन एन ओ पी टी, ठीक है, स्कॉलर रिटन एज इतना। तो वो ग्रम्पियर लिखा जाएगा कैसे, पहले आएगा ई, इसमें करते हैं ई जी आई एम पी आर, नहीं ये गलत हो गया, पी पी आर यू, ग्रम पी आर, दो बार आर है ना, यानी कि ये आएगा ई जी आई एम पी आर आर यू, ग्रम पी आर, ठीक है। उसके बाद ये है सो, और डिनोट माइनस, सो माइनस 13, बीटा डिनोट गुणा 6, 13 6 78, 22 बच गया, 22, सिग्मा प्लस है 24 है बटे 2, और माइनस 10 है 12 में 10 का 2, ठीक है। फिर ये आ गया माइनस का 3 2 6, ठीक है। सो 22 प्लस में 2 माइनस में 6, 22 तो 24 में 6 गए 16 नहीं 18 18 से 24, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये था, फिर ये नीचे आ गया घूम के, फिर ये इधर आया घूम के, फिर ये ऊपर जाएगा घूम के, है ना, यानी कि इस तरफ में होना चाहिए इसका, यानी कि सेकंड और थर्ड में से आएगा एक, ओके। ये था, नीचे आया, इधर आया, फिर ऊपर जाएगा, यानी कि थर्ड बनेगा। सो चलते हैं नेक्स्ट, गिवन फिगर क्या बोलते हैं इसको, कौन सा है ये बताना, ये फिर ये, और ये तो नहीं है, ठीक है। इधर ये इस तरह से है, फिर ये इस तरह, फिर ये इस तरह, ओके थर्ड आएगा, थर्ड आएगा, साफ साफ दिखा रहा है, और कोई तो नहीं, एंगल वाला, फिर यहाँ पे ये नहीं, एंगल वाला नहीं है। सो नेक्स्ट चलते हैं, ये था, फिर इस तरह से काटा, ठीक है। फिर एक दो ठीक है, फिर और क्या, थर्ड आएगा इसमें भी, लगातार तीन का कुछ, तीन का आंसर तीन हो गया। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस टी यू 6 है, बोलोगे यंगेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली, ठीक है, यंगेस्ट बताना है अपने को। एस इज एल्डर देन पी, एस एल्डर देन पी एंड यू, एंड यू, आर इज नॉट यंगर देन क्यू एंड टी, आर इज नॉट यंगर देन, यानी कि आर इज ओल्डर देन क्यू एंड टी, ठीक है, ओके। इंग्लिश बताना था ना, पी इज यंगर देन क्यू, यू इज यंगर देन पी, ओके। सो दोनों का दोनों जो है वो लेना पड़ेगा अपने को, ये लेना पड़ेगा ना। उसके बाद x जो है वो ग्रेटर देन m है, तो x यहाँ पे है ग्रेटर देन m, ठीक है। v जो ग्रेटर देन z है, v ग्रेटर देन z, ये भी ठीक है। सो दोनों के दोनों ट्रू है। नेक्स्ट चलो, एक मिनट, v ग्रेटर देन z, ठीक है। 18 का 18 निम्बा 162, 8 निम्बा 72, 11 निम्बा 99, ठीक है। उसके बाद ये, फिर ये नीचे, फिर ये ऊपर फोल्ड किया, फिर ये ऐसे आया, नीचे करेंगे दो आएंगे, नीचे डबल आएंगे, यानी कि ये नीचे आ गए, फिर ये खोल ले, फिर ये इस तरफ खोल ले, ओके, यानी कि फोर्थ वाला आएगा। चल जा भाई, एक तो माउस यार दिक्कत दे रहा है। ए आई इज प्रेडिक्टेड टू ग्रो इंक्रीजिंगली परवेसिव एज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट रिवोल्यूशनाइजिंग सेक्टर्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, ओके, ठीक है। ए आई हेल्प्स इन सिंप्लीफाइंग वर्क्स अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ सेक्टर्स। इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, निष्कर्ष, अनुमान, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। भविष्य में क्रांति को प्रोत्साहित करने वाला है,
भविष्य में क्रांति को प्रोत्साहित करने वाला है, फ्यूचर रिवॉल्यूशन। ठीक है, आई थिंक दोनों के दोनों फॉलो करेंगे ना, वैरायटी ऑफ सेक्टर्स में काम आएगा और फ्यूचर रिवॉल्यूशन को करेगा। आई थिंक दोनों के दोनों होने चाहिए यार इसमें। स्टेटमेंट वाले ऐसे हैं जिनमें गैस माना पड़ता है। द गवर्नमेंट प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स फ्रॉम अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड सो दैट दे कैन हैव इक्वल एक्सेस टू हायर एजुकेशन। ठीक है, ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट डू नॉट कंटिन्यू देयर एजुकेशन। ओके, बेस्ड ऑन फैमिली इनकम है इसमें से। वैसे फैमिली इनकम का कुछ लिया नहीं। अंडर प्रिविलेज्ड का मतलब क्या है? अंडर प्रिविलेज्ड का मतलब देखी जाए तो वही है, फैमिली इनकम के ही बेस पे है ना। डो नॉट कंटिन्यू देयर एजुकेशन। ओके, सो आई थिंक बहुत ही फॉलो करेंगे ना इधर तो। सो नेक्स्ट चलते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एवर इंक्रीजिंग एंड जेम्स ऑकर व्हेन द नंबर ऑफ कार्स इज मोर देन द रोड्स कैन सपोर्ट। ठीक है, कंक्लूजन, द नंबर ऑफ कार्स इज इंक्रीजिंग इंडिया। ठीक है, इंक्रीज तो होगा ही जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो। द रोड सिस्टम ऑफ इंडिया इज नॉट गुड। सो ये तो नहीं है ना, इसको तो नहीं निकाल सकते, फर्स्ट को निकाल सकते हैं। सो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट। सो नेक्स्ट, डे बिफोर यस्टरडे यानी कि कल से पहले सैटरडे था, तो कल क्या था? संडे। आज क्या है? आज हो गया मंडे। 100 दिन पहले क्या था? आज मंडे है, मंडे से आज से 100 दिन पहले क्या था यार? ये तो ना 14/7/98 है ना, दो बन गया। ओके, सैटरडे था ना, तो सैटरडे ही होगा फिर तो, सैटरडे ही होगा 100 दिन पहले भी। ओके, चार 3, 7, 3, 10, 3, 13 ऐसे होना चाहिए। 4, 8, 2, 6, 4, 10, 6, 16 है ना, ऐसा होना चाहिए। 4, 2, 6, 6 आना चाहिए, यानी एफ आएगा। ओके, सो 16, 2, 18, 4, 22 है, नहीं 16, 2, 18, 2, 20 और 2, 22 यानी कि टी आएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं अभी। बाईसाइकिल कार्स बाइकर्स, यार टाइम ज़्यादा चला गया। बाईसाइकिल कार्स बाइकर्स क्या पूछा इसने? नंबर ऑफ पीपल हु हैव कार्स एंड बाइक्स बोथ बट नॉट बाईसाइकिल्स। बाईसाइकिल नहीं है लेकिन 31 होंगे फिर तो, 31 होंगे। सो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, 33, 27, 11, 9, 14, 12, 17। सत्रह कैसे आएगा यार? 17, 14, 12, 26 -2 + 5 है ना, -2 + 5 है तो 2 + 5 कुछ ना कुछ तो है यार इसका चक्कर। चौदह दून 28, 168 है।
और 99 चौदह सौ 98 17 लाख तो कम है भाई, 11 9। चलो इसको बाद में देखेंगे, अभी छोड़ते हैं इसको, टाइम ज़्यादा ले लेगा ये काम का। सो सेक्स स्क्वायर अल्फा, अरे थोड़ा दूर जा कर यार, वहाँ जावे -10 स्क्वायर। ओके सेक्स स्क्वायर -10 स्क्वायर का फॉर्मूला होता होगा शायद 1 बाई कोस स्क्वायर -sin/cos² ठीक है। तो 1 - sin यानी कि cos स्क्वायर / cos² यानी कि 1 हो गया ये, ठीक है। सो 1/3 cos² 45 यानी कि 1/√2 यानी कि 1/2 प्लस में cos² 45 1/√2 यानी 1/2 यानी कि 1/3 बनेगा ना 0.33। ठीक है फिर नेक्स्ट चलते हैं। अभी फाइंड द सम ऑफ पैरामीटर ऑफ ऑल द एंगल ट्राइंगल फॉर्म्ड फ्रॉम साइड इतना इतना एंड x, x एक इंटीजर है। ऑल द साइड्स फॉर्म्ड फ्रॉम, ओके सो 13 और 20 है, 13 20 है, सात 33 है, ठीक है। सो 8 से लेके 32 तक जाएगा, आठ 9 10 11 100 33 25 आ गया। सो पांच सौ बन गया जो, पाँच थे 15 तो थी 6 1 7 25 थी अब 76 दोबारा फिर, ठीक है। 5 7 5 12 17 8 825 है, 825 ये हो गया और 500 ये हो गया, 1325 होना चाहिए ना, ठीक है। सो मैं बता देता हूँ मैंने कैसे किया, 13 से 20 है के बीच में x की वैल्यू देख ली, x की वैल्यू 8 से लेके और 32 तक आएगी, ठीक है। 8 से 32 की संख्याओं का जोड़ हो गया 500, ठीक है, और 33 है जो वो 25 बार जुड़ेगा तो उसका हो गया 825, 825 और 500 को मैंने जोड़ा 1325 आ गया। नेक्स्ट, ओके एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स ए एंड बी वे सिक्योर्ड 44% ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड एंड लॉस्ट द इलेक्शन बाय इतना, अगर कहते सक्सेस वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड 8% पीपल डिड नॉट कास्ट वोट, नंबर ऑफ वोट पीपल हु डिड नॉट कास्ट वोट कितना है, ठीक है। 44% ऑफ वैलिड वोट्स, ठीक है, एंड लॉस्ट इलेक्शन बाय इतना, 44% 56% यानी ये कितना 12% ऑफ वैलिड वोट्स की वैल्यू कितनी आई 57 63 00 बटे 12 गुणा में 100 12 चौक 48 9
12 से 84 12 98 फिर 0 12 9 24 6 12 5 60 फिर 48 0 25 है 00 ठीक है 4,80,000 नहीं 48 लाख आ गया इनवैलिड 8% पीपल डिड नॉट कास्ट देयर वोट तो 8% की वैल्यू का रही है ना तो गुणा में 8 कर देंगे ठीक है 60 5 40 है 8 2 16 8 4 20 है 2 2 8 64 है 8 4 32 है 32 है 38 नहीं ये तो कुछ और ही आ रहा है ओके 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 ठीक है ये बन गया कितना 100% है ना 100% में 71 है 660 और जोड़ना है 0 6 4 5 11 1 2 3 4 7 8 4 ठीक है और ये बन गया कितना ये बन गया 92% परसेंट कितना बनेगा ये निकालना है तेईस ठीक है ओके 21 192 का करना कितना 2 गुणा 42 384 यही होगा ना 384 ठीक है 384 ओके नेक्स्ट इफ 9 इज अ प्राइम नंबर देन स्क्वायर इज अ प्राइम नंबर इफ 19 स्क्वायर इज अ प्राइम नंबर वैसे तो है ना वन पे करता है 19 पे करता है ठीक है फिर ओनली 5 कंपोजिट नंबर्स लाई बिटवीन कंपोजिट यानी भाज्य संख्याएं 5 कैसे 102 104 105 ठीक है 106 108 110 ये तो 6 होगी यानी कि तो ठीक है केवल जो 1 ठीक है सेकंड गलत है ठीक है ओके ओके 20 ओवर के मैच को जीतने के लिए आवश्यक रन रेट इतना है 16 ओवर की समाप्ति पर अगर रन रेट 7 है तो रिक्वायर्ड रन रेट कितनी है सो 20 ओवर में 6.2 यानी कि 62 2 124 है 124 रन की जरूरत है 16 7 6 42 16 7 112
कितने रह गए, 12 रन रह गए 4 ओवर में, 3 की चाहिए फिर तो। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं अभी। लेटरल सरफेस एरिया, एक मिनट, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कौन इज इतना, स्लेंट हाइट 10.5, रेडियस कितनी होगी, 100 πr(l). ठीक है, πr(l) इक्वल टू 561 है, बटे में 22 गुणा में 7 बटे में 21 गुणा में 2, ठीक है, रेडियस आ जाएगी। सो 7 × 3, 7 से 7 गया और 2 से गया 11 पे, 11 × 5 = 55, 11 × 1 = 11, 3 से गया 17 पे, 17 आ गया, 17 × 3 = 51 है ना। ठीक है, रेक्टेंगल ऑफ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 21, 21 होगी अगर 21 × 21 = 22/7, 3 पे गया, 21 दिया 63 गुणा 22, 63 × 2 = 126, 6 × 12, 63 × 2 = 126, 12 138, 13 × 86, 13 × 86 है, और 14 × 11 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, 11 × 1 = 11, 2 × 11 = 22, 6 × 11 = 86, ओ 66 बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, 14 × 9 = 128, यानी कि 3 आ गया। पैरामीटर क्या होगा, 14 × 3 = 42 है और 11 × 3 = 33 है, तो 42 और 33 है, 2 × 3 = 5, 4 × 3 = 7, 75 × 2 = 150 होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्यूब माइनस इतना इक्वल टू 510 है, 51 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना इतना इतना। अरे इसको कैसे करते हैं ये मेरे को नहीं पता, इसकी मेरे को नहीं वो यार थ्योरी याद, मैं क्या करूँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। इसका मेरे को कुछ आइडिया नहीं भाई, छोड़ना पड़ेगा। इन अ सिटी 60% ऑफ मेल, रेस्ट आर फीमेल, 3 और 2 हो गया, 30% ऑफ मेल्स एंड 20% ऑफ फीमेल आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ओके, सो 60 और 40 बन गए, अब 60 के 30% 6 × 18 बंदे और 20% 4 × 2 = 8 बंदे, तो 18 × 8 = 26 है, यानी कि 74% बंदे जो है वो नौकरी पे नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ चेयर 3000, गेट्स अ चेयर आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 10%, 20% कॉस्ट प्राइस इतना है तो प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, फिर 10 और 20 = 30 है और 200 यानी कि 2 यानी 28% हो गया। ठीक है ना, 28% कम कर दिया तो 72% में बेचेंगे, 3000 × 72 / 100, 2×3 = 6, 7 × 21 = 22, 21 + 8 = 12, 40, 0 + 2 = 21 = 12, 920 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इतना इतना, व्हाट्स द इन रेडियस ऑफ द सर्कल, ट्रायंगल इन रेडियस का हमको पता है क्या होता है, इन रेडियस होती है एरिया बटे सेमी पैरामीटर, है ना। पहले तो इसको कितने 12 से डिवाइड करते हैं, 12 × 3 = 36, 12 × 4 = 48, 3 × 4 = 5, 3 × 4 = 5, 3 × 4 = 5, इसका मतलब इसकी जो इन रेडियस होगी वो कितनी होगी, वो आधी हो जाएगी, है ना। यानी कि 5 × 2 = 2.5, यानी कि 60 × 2 = 30, 30 × 2 = 15, 15 हो जाएगी, है ना। आई थिंक 15 ही होनी चाहिए, 15 हो जाएगी, चलो निकाल भी लेते हैं यार। इनका एरिया कितना बना, एरिया बना 3 × 4 / 2, 6 ×
12 × 12 144, 6 × 24 है, 4 × 6 = 24 है, तो 26 है, 1 × 6 = 8 864, 864 बटे में पेरीमीटर बनया, सेमी पेरीमीटर वो बनया 108 है, और 3 × 138 और 6 × 144 है ना, 144 ठीक है। तो 6 6 नहीं है, ये तो कुछ और ही बने, ये क्या चक्कर हो गया, सेमी पैरामीटर है ना, 6 × 12 आना चाहिए था, 6 × 12 एक मिनट यार, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या, 36 × 48 है बटे में 2 24 पे, 4 × 24 = 36, 4 × 24 है 2 2 × 12 और 2 × 14 4 × 12 2 × 6 है 7 4 6 8 864 है ठीक है, बटे में सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर कितना होगा 7 4 यानी कि 8 4 84 प्लस में 6 यानी कि 144 है, कादा 72 72 14 72 दोनों 12 आएगा है ना, 12 आंसर आना चाहिए, 12 आंसर आएगा, 12 आंसर आएगा यार, लेकिन ट्रायंगल के हिसाब से तो आई थिंक 60, तो 60 का इसका आधा होता है क्या, ये पता नहीं, चलो देख लेंगे बाद में यार क्या आंसर है। अ वेसल कंटेन्स 80 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क इज 25% ऑफ टोटल मिक्सचर एंड रेस्ट इज वाटर, 80 लीटर है इसका 25% यानी कि 20 और रेस्ट वाटर मिल्क और 60 जो है वाटर है, 12 लीटर वाटर इज एडेड इन द मिक्सचर, ये बन गया 72 है, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द न्यू वाटर न्यू मिक्सचर, ये बन गया 92 में है 72, अपने को क्या करना है मिल्क का निकालना है, मिल्क का बन गया 20 बटे में 92 × 100 40 10 ठीक है, यह आ गया 23 5 500 √23 23 × 40 4 0 23 × 23 है 17 0 23 है 70 निकाले थे ना, 3 से 21 है 2 से 14 2 16 ठीक है, ये आएगा 21.74। ए एंड बी कैन डू 20 दिन, बी एंड सी 10 दिन और 15 दिन, तो मान लिया कितना 60 है ठीक है, इसके आगे 3 इसके आगे 6 इसके आगे 4, तो ए बी 6 बी सी 10 बी सी नहीं ए बी 5 बी सी 6 और सी ए 4, तो एक ही मान ली 2 बी की 1 है नहीं, एक ही मान ली 1 बी की कितनी 2, बी की 2 है तो सी की 4 है 4 और 1 नहीं है गलत है, ऐसे तो नहीं होगा यार, ओके 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 ज्यादा लेना पड़ेगा इसका मतलब, तो ऐसे करते हैं ए प्लस बी इक्वल टू 3 बी प्लस सी इक्वल टू 6 सी प्लस ए इक्वल टू 4, अब करते हैं ए प्लस बी प्लस सी करते हैं ठीक है, 4 × 10 = 13 बटे 2 आ गया और इसमें बी माइनस 6 घटा दिया 0.5 आ गई, आधी आ गई यानी कि 120 दिन में खत्म करेगा ना काम, ओके ठीक है। फाइंड साइन स्क्वेयर 3 प्लस साइन स्क्वेयर 6 प्लस डैश डैश साइन स्क्वेयर 90, ओके इसकी वैल्यू क्या हो गया
तीन गया 87 से, 6 गया 83 से, नहीं 84 से, ठीक है, 9 गया 81 से, 12 गया 78 से, ठीक है। सो 1 2 3 4 कब तक जाएगा ये? तीन छः नौ बारह 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 के बाद फिर आएगा 48, ठीक है, 42 48 यानी 45 रहेगा, 1/2 रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 और एक वो 15, ठीक है, 15 और 10 15.5 आएगा इसका अंदर तो, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, मैनुअली काउंट करना पड़ा यार, और मेरे को ठीक भी लगा। सिंपल इंटरेस्ट इतना है 8% पर एनएम पे इतना बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रेट फॉर 2 ईयर्स एंड फॉर द सेम सम कितना बनेगा, ठीक है। फिर 8% पे 1600 है, 1600 रुपये है 2.5 साल के लिए, 8% पर एनम, तो हमें 5 × 4 × सम है x इक्वल टू 1600 रुपये बटे में 100, 500 का 20 है यानी कि 5 16 5 80 8000 रुपये है, ठीक है। 8000 रुपये पे 8% के लिए 2 साल में अठोटी 64 है, 64 या 8 2 16 16.64 रुपये 8 के लिए, ठीक है ना। 1664 की 8 के साथ 8 6 32 है, 6 8 48 है, और 3 51 1 5 48 5 53 5 1 8 5 13 सो 1331.2 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसका मोड बताना है। सो 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 13 आएगा फिर तो, चलो ओके। 4x², ठीक है, 4x² 9 है इतना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 इतना, ये कैसे किया? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ये एक इतना है ना, तो 4x² है प्लस 1/9x² है प्लस 2x इंटू 1/3x चार बटा तीन है, प्लस 4/3 कर दिया यानी कि 48/3 है ना, इसको हम कर सकूँ फिर 2x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 48/3 कांड रूट यानी कि 16 यानी कि 4 आ गया, 4 आ गया इसका आंसर, यानी कि इसकी गुणा करते हैं, आठ एक्स क्यूब प्लस में 2/2
दो बटे में नौ प्लस में चार बटे में तीन प्लस में एक बटे में सत्ताईस, ठीक है। और आड़ा होगा सोलह छोटे तीन होना चार, ओके। तीन तो गुणा कर बारह बटे नौ, चौदह बटे नौ, इसमें तो चौदह बटे नौ घटेगा, ओके। चौदह बटे नौ घटेगा तो इसका मतलब चरते बेरा चरते बारह रख तेरा बटे नौ गुणा में चार माइनस में चौदह बटे में नौ, दो सौ के आठ, तीन सौ के बारह, एक सौ के चार अड़े पाँच बटे में नौ माइनस में पाँच सौ चौदह बटे नौ, नौ नौ पंजे ना नौ पंजे पैंतालीस छः निम्न इक्यासी ना भाई तो गलत हो गया, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी शायद। टाइम भी कम रह गया अब तो भाई, अच्छा टू बाई नाइन एक्स आएगा ना, हाँ टू बाई नाइन एक्स आएगा यार, ओके 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 आयो होगा ना, नहीं यार अड़ फिर दिक्कत आ गई, इस सवाल पे भाई मैंने बहुत टाइम लगा दिया। पर मेरा ये था यार कि मेरे को निकालना था ये, एक मिनट अगर ये है ना,
तो 52 वगैरह कुछ आना चाहिए ना यार इसका। नहीं छोड़ यार इसको, मैं बेकार में लगा रहा, इस पर 9 मिनट खराब हो गई मेरी। बॉक्स कंटेन 300 कार्ड्स ऑन विच नंबर फ्रॉम 0 to 10 कार्ड पिक रैंडम नंबर ऑफ कार्ड डिवाइड बाय 3 नॉट डिवाइड बाय 6। 3 से डिवाइड होगा पर 6 से नहीं होगा, ठीक है। सो 3 9 3 6 9 15 21, ठीक है ना, इस तरह से चलेंगे। सो 299 बाई 3, 3 से 21, 2 3 से 21, यानी कि 297, ठीक है दोस्तों। 3 से लेके 297 तक कितनी होगी नंबर, पचास होगी, ठीक है, 50 हैं, 300 कार्ड्स हैं, 50 ऐसे बनेंगे, 1 बटा 6 बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं, असम मनी टफिक रेट सिंपल इंटरेस्ट इतना 3 इयर्स 4 इयर्स फाइंड असम मनी। और कितना बढ़ा, 78 रुपये बढ़ा है ना, 78 रुपये 1 साल में लग गए हैं। तो 78 24 7 21 21 और 2 23, 1802 में से 234 काट दिया, 2 में से 8 आएगा लास्ट में, ठीक है, और 9 में से 3 गया, 6 17 में 2 गए, 1568। नेक्स्ट चलते हैं, 7 मिनट, 2 रनर स्टार्ट्स स्पीड ऑफ 18 12 अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि 6 की स्पीड आ गई, ट्रैक इतना। देन फाइंड दी हाउ मेनी डिस्टेंट पॉइंट क्रॉस ईच अदर सर्कमफेरेंस, अगर 900 की है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, 1 मिनट, नौ सौ मीटर देन फाइंड एट एट हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दे विल क्रॉस ईच अदर। ओके 18 12 6, 15 96 6 आना चाहिए ना, नहीं 6 तो है ही नहीं यार, 118 कोई आइडिया नहीं यार इसका। मशीन कैन प्रिंट अब ओपन 24, मशीन बी 25% लेस एफिशिएंट,
3% लेस एफिशिएंट है ना। तीस या तीस में करेंगे ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मशीन सी 8 मिनट में करेंगे ठीक है। या 24 मकर है यानी कि या 30 मकर है, तो 30 चौका 120 है ठीक है ना, बटे में 8 है, 8 8 का मिनट 4 है, 8 पंजे 40 15, इसकी क्या है, इसकी इसकी 5 है, इसकी 4 है, इसकी 15 है, टोटल 5 4 9 6 15 6 यानी कि 120 बटे में 6 है, एट मिनट बीस में होना चाहिए ना यार। ओके 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 24 होगा, ओके ठीक है, चार चौके 16, दो चौका 8, एक 9, 96 बत्ती दिया, 96 8 में करेंगे, 96 बटे में 8 है, 12 में 12 आएगी, इसकी 4 इसकी 3 है, 4 3 7 5 है, 96 बटे 5, 5 एकम 5 है, 4 है, 5 से 45.12 19.2 आएगा। अब आया हर चीज़ एवरेज चीज़ में इतना इतना 21 ईयर्स एज 24 ईयर्स एवरेज एज ऑफ अजय इतना इतना कितना होगा, 21 है, 1 2 3 4 इक्की चौक 84, मैं तो 24 का बच गया कितना 60 है, बटे में 20 ईयर्स आ गया। नेक्स्ट ओके इसको करेंगे बाद में छोड़ो। 6 डिजिट नंबर इतना डिजिट बाई 7 11 13 एक्स वाई जेड का एवरेज क्या होगा, ये तो लंबा जाएगा, इसको करेंगे 25 है, 25 होगा 100 या 300 प्लस में 99 ऑफर ओके 25 की 99 गुणा 25 निमा 225 22 25 निमा 225 22 है 7 है 4 है 247 ठीक है 247 और 875 बटे में 35 है 7 गुणा 5 सात एकम सात एक सात उन्नीस चौदह 355 25 है तो 24 75 25 सौ बन गया, 2500 प्लस 300 2800 बनेगा। क्यों भाई, अच्छा यो भी है कि 2850 बनेगा ठीक है। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ इतना इतना इतना, थर्ड प्रोपोर्शन होगा 54 गुणा 54 बटे में 72, 9 गुणा 8 है, 9 6 54 है, 3 है, 4 है, 4 एकम 4 है, 1 नहीं 54 गुणा 54 बटे में 72 है, 8 है, 9 6 54 है, 8 तो हो गया 4 पे, हो गया 3 पे, हो गया 27 पे, 27 दिया 81 बटे 4, 81 बटा 2 है ना, 40.5 आएगा। नेक्स्ट 2 रेडियाई 15 और 5
रेडियस ऑफ टू सर्कल 5-15 है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर 26 है, व्हाट्स द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो 26 का स्क्वायर है 676 माइनस में 15 माइनस 15 24 आएगा। द सरफेस एरिया ऑफ थ्री एडजस्टमेंट ए विद इतना क्यूब हैविंग साइड इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, खत्म। चलो एक क्वेश्चन गड़बड़ था भाई, उस क्वेश्चन में मेरा इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, बहुत ज़्यादा, और फिर वो निकला भी नहीं शायद, पता नहीं निकला था कि नहीं निकला था, मेरे को ये भी ध्यान नहीं है अभी। चलो फिर इंग्लिश में चलते हैं, आज का टेस्ट थोड़ा अनफॉर्चुनेट हमारे लिए। द पुलिस सेड टू द अक्यूज्ड, हैव यू मेट बिफोर मेकिंग द फोन कॉल, हु हैव यू मेट, ठीक है। द पुलिस आस्क्ड द अक्यूज्ड, हु हैव यू मेट, हु ही हैड मेट बिफोर मेकिंग द कॉल, ओके, हैड ही होगा नहीं, whom भी नहीं होगा। अ क्लियर एक्सप्लेनेशन को क्या बोलते हैं, एक्सपोजिशन बोलते हैं, व्याख्या, व्याख्या करना, एनालगेसिक एक्सपोजिशन होता है, व्याख्या करना है ना, और डिस्क्रिप्शन पूरा। शॉपकीपर टोल्ड बेटी दैट द ब्रोकर हैड कलेक्टेड द ब्रोकर कलेक्टेड द कमीशन, ठीक है, विल नहीं आएगा, कलेक्ट नहीं आएगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ही क्वाइटली रेयरली फ्रीक्वेंसी है। लोकेशन वेयर आई वर्ड टू गो, द लोकेशन वेयर आई वर्ड टू गो इज गेटिंग क्लोजर, द लोकेशन वेयर आई एम टू गो इज गेटिंग क्लोजर, है ना, वेयर आई वर्ड टू गो, ये गलत है, आई वर्ड टू गो, आई एम टू गो, आई वर्ड टू गो, हैज टू गो, गलत है, यही आएगा, आई एम टू गो, मुझे जाना है, जहां मुझे जाना है, ओके। नो सुनर आई हैड, ये गलत है, नो सुनर हैड आएगा, हैड आई। द फैक्ट दैट एन ऑर्गेनिज्म हैज कॉन्शियस एक्सपीरियंस एट ऑल मीन्स बेसिकली विच देयर हैड, बेसिकली द फैक्ट दैट एन ऑर्गेनिज्म हैज कॉन्शियस एक्सपीरियंस एट ऑल मीन्स बेसिकली दैट देयर इज समथिंग means that the fact that an organism has conscious experience at all means basically that there is something it is likely to be when there is nothing it is likely to be that organism क्या आएगा यार, ये थोड़ा गड़बड़ सवाल है शायद। द फैक्ट दैट एन ऑर्गेनिज्म हैड कॉन्शियस एक्सपीरियंस एट ऑल मीन्स बेसिकली विच देयर हैड बेसिकली व्हेन देयर वाज नथिंग इट इज लाइक टू बी दैट ऑर्गेनिज्म। आई थिंक ये आएगा, है ना, बेसिकली वेयर देयर इज एक्सपीरियंस एट ऑल मीन्स बेसिकली दैट देयर इज समथिंग इट इज लाइक टू बी दैट ऑर्गेनिज्म, ओके। सो नेक्स्ट, द मोर सरप्राइजिंग थिंग फ्रॉम टुडेज पर्सपेक्टिव इज दैट चैपलिन वॉज Chaplin was warned that it might not be shown in Britain or US. From today's perspective is that Chaplin was warned that it might not be shown in Britain or
आई थिंक ये आएगा. सो नेक्स्ट, बाई हु वर द वैगन्स, बाई हुम होना चाहिए ना, बाई हुम कंटेनिंग द वेल्थ ऑफ द किंग एज गॉटन इन 19. ओके, यंग जिम बेजर शोल्डर्ड हिज राइफल एंड स्टार्टेड डाउन अ स्ट्रीट लीडिंग टू द रिवर. ओके, द लॉन्ग फ्रिंज ऑन हिज buckskin cloth flapped softly as he strode along. His moccasins made no sound on the wooden sidewalk. The sun was just rising over the little frontier town of St. Louis. Even at this early hour, most of the stores and trading posts were already open. As Jim passed a trading post, a man called, "Hey, young fellow, are you heading west this morning with Ashley and Henry?" "Yes, I am," replied Jim. "I have signed up to trap for the Rocky Mountain for company," he strode on whistling. Near the river, Jim stopped in front of a gun shop. A weather-beaten sign over the open door swung back and forth in April breeze. Inside the shop, an old man was seated at a workman's bench. He was mending a gun. Without looking up, he said, "Come on, Jim." "Good morning, old John," greeted Jim as he entered the shop. "How did you know I was coming down the street?" "Your whistling is always a little off key." Old John laughed, but his faded blue eyes had a merry twinkle. "Well, Jim, this is your big day," he added. "Turn around and let me see how the clothes we made fit you." Jim laughed and tossed his head. His long dark hair fell back over his shoulders. His buckskin clothes did not fit very well, but Jim's pride in his new outfit made old John smile. Old John studied Jim and admired the easy grace of his quick movements. Jim was only 18 years old, but he was tall, well over 6 feet. He was slim, strong, and straight as an arrow. His clear gray eyes were keen and searching. Okay. Where did Jim stop after passing a trading post? A gun shop, eh? Okay. Which of the following options is not true about Jim? He was slim and strong, 8 years old. ये गलत है. ठीक है ना, वो कितना था? 18 years था. 8 years का नहीं था. Old John doing when Jim entered the? वो he was mending a gun. Next, along with whom did Jim head toward the west? With Henry and Ashley. Yes, I am. Okay, ठीक है. Where did Jim start his journey? Journey कहाँ शुरू की? Frontier town of St. Louis. ठीक है, from the lake of St. Louis. From the town of St. Louis. अरे यार, ये अभी गलत हो जाता भाई, अभी गलत हो जाता. बच गया. Correctly spelled. Grimace syndrome. Cooperative ये गलत है. Inflate गलत है. Syndrome में आगे ये आता है. Syndrome. ठीक है, तो grimace होगा बस. One day the jackal गलत है. Jackal took his camel friend to a big sugar farm. Okay. So. ये तो सीधा चलेगा ना, ए बी सी डी चलेगा ये तो, नहीं.
ओके ये आएगा फिर तो नेक्स्ट चलते हैं। वी स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग एंड रीच द स्पॉट एट 10 AM। वी हैड प्लान अ पिकनिक विद आर क्लासमेट्स आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा एंड दैट ओनली दोज हु न्यू स्विमिंग वुड बी अलाउड टू बेद इन द रिवर। ओके सो आई थिंक पहले ए आएगा, पहले ये आएगा वी स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग एंड रीच द स्पॉट एट 10 AM। वी हैड प्लान्ड वगैरह वगैरह, कुकिंग वॉज कम्प्लीट, विश टू टेक अ बैथ इन गंगा। आई थिंक यही आना चाहिए ना। या फिर यह आएगा वी हैड प्लान्ड अ पिकनिक विद आवर क्लासमेट्स आफ्टर द एग्जामिनेशन द बैंक ऑफ गंगा, पहले ये, उसके बाद फिर स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग, उसके बाद डी आफ्टर द कुकिंग वॉज कम्प्लीटेड वी विश टू टेक बाथ इन गंगा क्लास टीचर वॉन्ड। आई थिंक ये आना चाहिए फिर तो नेक्स्ट। क्लाइमेट चेंज पॉजेस सिग्निफिकेंट चैलेंज टू ग्लोबल फूड सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट। ठीक है देखते हैं फिर पहले क्या आएगा। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट ये तो नहीं है। अच्छा, ठीक है। क्लाइमेट चेंज पहले सी आएगा। सिग्निफिकेंट चैलेंज टू ग्लोबल फूड सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट। ठीक है द न्यूली डिस्कवर्ड एक्सोप्लैनेट कुड पोटेंशियली सपोर्ट लाइफ मेकिंग इट अ सिग्निफिकेंट फाइंड इन द सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेट्रियल टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। ठीक है कुड पोटेंशियली बी आएगा। उसके बाद नेक्स्ट रिसेंटली रिसर्चर्स एट बोस्टन यूनिवर्सिटी टू अ मेजर स्टेप। Took a major step. Okay, they inserted cell control circuit into Escherichia coli bacteria. ADCB है ना? ADCB. आई थिंक यही आना चाहिए। ए सी बी नहीं यही आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। द फैब्रिक ऑफ आर ग्लोबल फूड सिस्टम इज फ्रेइंग अंडर द स्ट्रेन ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एवर एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द अनरेवलिंग वी मस्ट डैश डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल वी मस्ट एम्ब्रेस है ना सॉल्यूशंस विच आर क्रिटिकल टू वगैरह वगैरह। आई थिंक एम्ब्रेस आएगा। उसके बाद नेक्स्ट गैस एमिशन फेलियर टू डू सो वुड जियोपर्डाइज एफर्ट्स टू डैश द यूनाइटेड नेशन सिस्टम गोल्स टू अचीव है ना। प्रोग्रेस टुवर्ड्स द एस डी जीज फॉर पीस एंड डैश ऑफ पीपल पीस एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ पीपल। ओके ट्रांसलेटिंग इन टू दिस इन टू पब्लिक पॉलिसीज हैज टेकन ऑन न्यू डैश हैज टेकन ऑन न्यू अर्जेंसी। एक मिनट लॉन्ग टर्म रेजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी ऑफ द ग्लोबल फूड सिस्टम दीज टू ऑब्जेक्टिव आर इंटरलिंक्ड। ट्रांसलेटिंग दिस इन टू पब्लिक पॉलिसीज हैज टेकन ऑन न्यू डैश गिवन दैट वोलेटाइल एनर्जी मार्केट्स हैज एक्सपोज द फूड सिस्टम्स यूनिक वल्नरेबिलिटीज। क्या आएगा इसमें। व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेंथनिंग द लॉन्ग टर्म रेजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी ऑफ द ग्लोबल फूड सिस्टम ट्रांसलेटिंग दिस इन टू
पब्लिक पॉलिसीज हैज टेकन ऑन न्यू अर्जेंसी या न्यू प्रोग्रेस has taken on new divergence तो नहीं, embarrassment भी नहीं, food system these two objectives are interlinked, translating this into public policies has taken on new urgency. एक मिनट यार, ओके, अर्जेंसी आएगा. टू फोर्स योर सेल्फ टू परफॉर्म एन अनप्लेजेंट और डिफिकल्ट एक्शन, ब्रेव इन डिफिकल्ट, ब्रेक लाइक पीस ऑफ केक, बाइट द बुलेट होता है. अ नर्सरी वेयर बेबीज एंड यंग चिल्ड्रन आर क्रैश. आज ही पढ़ा था मैंने ये, ठीक है. एंटोनिम बताना कितना, इनसेंट का. ओके, दे आर लाइक चिल्ड्रन विद देयर इंसेंट क्वेश्चंस, सीजलेस, इंटरमिटेंट, इंटरमिनेबल, कंटिन्यूअस. एंटोनिम सीजलेस, लगातार है ना, इंटरमिटेंट, बीच बीच में, इंसेंट, इंसेंट का मतलब कहता है incessant questions, ceaseless. I think intermittent होता है क्या इसका उल्टा? ये फिर continuous होगा, क्या होगा? सीजलेस यानी जिस पे कोई प्रतिबंध ना हो, है ना, जिसका कोई पार ना हो, कोई लिमिट ना हो, लिमिटलेस, सीजलेस. कंटिन्यूअस या इंटरमिटेंट में सीख करना चाहिए ये. इसको लगा देते हैं यार, चलो अभी देखी जाएगी जो होगा. ही इमीडिएटली डैश फ्रॉम द टॉप फ्लोर. तो गोट डाउन होगा, नीचे आ गया. एंड हिज मदर, ग्रैंड मदर स्टिल हैज एन ओल्ड फैशन्ड डायल फोन एट हर प्लेस. डायल फोन होगा ना. शी बेक्ड अ केक विद आमंड फ्लावर. अच्छा ठीक है. द गोट ग्रेजेस द ग्रास ऑन देयर, ठीक है. इट इज वर्थ नोटिंग का एंटोनिम यानी इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है. ग्रेचुटस यानी कृतज्ञ होना, इसका क्या सिनोनिम? रिक्विजिट ग्रैंडियस पेड. रिक्विजिट ग्रैंडियस अननेसेसरी. ग्रेचुटस, ग्रेचुटी का मतलब क्या होता है? रिक्विजिट तो क्या, ग्रैंडिश तो नहीं है ना, यह तो होता है धूमधाम से. ग्रेचुटी पैसे से समझ लेता है, ग्रेचुटी है ना. चलो फिर,
यार ये पढ़ने मुझे बहुत बहुत मन नहीं करता है पढ़ने का। इन जून 2023 अ स्टडी कंडक्टेड बाय द मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन ऑन कोलैबोरेशन विद द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री रिवील्ड दैट 11.4% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन और 10.13 करोड़ पीपल आर लिविंग विद डायबिटीज एंड 15.3% ऑफ द पॉपुलेशन और एन एडिशनल 13.6 करोड़ पीपल आर प्री डायबिटिक। इट्स ऑल्सो फाउंड दैट 28.6% ऑफ द पॉपुलेशन वुड बी कंसिडर्ड टू बी ओबीज एज पर द बीएमआई मेजर। सिग्निफिकेंट एविडेंस शोज दैट हैवी डाइट विद अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बेवरेज और हाई इन शुगर फैट एंड सॉल्टी सॉल्ट आर रिस्की एंड कैन लीड टू डायबिटीज। 10% इंक्रीज इन देयर कंजप्शन of ultra-processed food a day is associated with a 15% higher risk of type 2 diabetes among adults. When food is ultra-processed, its structure is destroyed and cosmetic additives, colors and flavors are added. This makes people eat more, gain weight and heighten the risk of diabetes and other chronic diseases. It's reported that the sale of sugar-sweetened beverages has fallen in the last 20 years in many high-income countries. To compensate for the loss of sales, companies are now focusing on low- and middle-income countries. India is a playground for the food industry. Billions of rupees are spent on marketing and advertising ultra-processed food and beverage, which leads to increased consumption by vulnerable population. While the food industry blames people for bad choices, it is not the people but the environment around them that is to blame. The report is a deepening public health crisis, the ticking time bomb of diabetes. Sugar sweetened beverages are major source of added sugar in diets and put people at a higher risk of type 2 diabetes. The only way the government can safeguard people from the manipulative strategies of the food industry is through a legal framework or even an ordinance with the objective to halting the consumption of ultra-processed food. It also includes defining healthy food, a warning label on unhealthy food, and restrictions on the promotion and marketing tactics of unhealthy food and beverages. The people must be informed of the risk of consuming such food. In this process, there is no reason to partner with food industry that is responsible for ill health. Okay. What percent of India's population is living with diabetes? Diabetes, okay. 11.4%. Sweetened beverage shift focus to low and middle income countries like India according to the passage. Kyun? क्योंकि डिक्लाइनिंग सेल्स इन हाई इनकम है ना, ये रहा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के लिए क्या करना चाहिए, इम्प्लीमेंटिंग लीगल फ्रेमवर्क या ऑर्डिनेंस, ठीक है ना। ओके सो नेक्स्ट, 10% इंक्रीज और कंजप्शन ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड डे इज एसोसिएटेड विद 15% हायर रिस्क ऑफ टियर 2 एसोसिएटेड यानी जुड़ा होना, एक्सेप्ट किसके अलावा, लिंक्ड कनेक्टेड डिस्टिंक्ट अलाइड डिस्टिंक्ट अलग होना, ठीक है। अ स्लाइस ऑफ लाइफ जिंदगी का एक पल क्या होता है, डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, अ रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरीडे एक्सपीरियंस इन फिल्म, ये होता होगा। अ फेमस आर्टिस्ट इन्फ्लुएंस इज क्लियरली एविडेंट, एविडेंट यानी दिखना सामने से, इजी यानी क्लियरली सीन, ये रहा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू न्यू, अरे यार ये फिर आ गया, अकॉर्डिंग टू न्यू रिपोर्ट बाय फ्रीडम हाउस ग्लोबल इंटरनेट फ्रीडम हैज डिक्लाइंड फॉर द 13th कंसेक्टिव ईयर। द एनवायरमेंट फॉर ह्यूमन rights online has deteriorated in 29 countries with only 20 countries registering net gains. The report titled Freedom on the Net 20
2023, the repressive power of artificial intelligence has raised a red flag on the increasing use of artificial intelligence by governments for censoring and the spread of disinformation. As per the report, the sharpest rise in digital repression was witnessed in Iran, where authorities shut down internet services, blocked WhatsApp and Instagram, and increased surveillance in a bid to quell anti-governmental protests. China, for the 9th straight year, was ranked as the world's worst environment for internet freedom, with Myanmar the world's second most repressive for online freedom. People faced legal repercussions for expressing themselves online in a record at 55 countries this year, and the number of countries where authorities carry out widespread arrest and impose multi-year prison terms for online activity has risen sharply over the past decade, from 18 in 2014 to 31 in 2023. Okay. The report evaluates countries on 5 censorship methods: internet connectivity restriction, blocks, website block on VPN, forced removal of content. India engaged in all of them except one, which is virtual private network. India is figured among the list of countries that blocked website hosting political, social, or religious content, deliberately disrupted ICT network, used pro-government commentators to manipulate online discussions, and conducted technical attacks against government crisis critics or human rights organizations on a range of 1 to 100, where 100 represents the highest digital freedom. India scored 50, with Iceland 94. Best in internet freedom. Okay. According to the report, which country was ranked as world's 9th? Iran hoga. Kaun sa hai? Nahi raha. China, for the 9th straight year, was ranked as world's most environment for world's worst. China. India not engaged. Kisme VPN mein nahi hai na. Aankhi dukhne lagti yaar. How many countries did people face legal repercussion for expressing themselves online according to the report? 55 hai na, 55 countries this year, so 55 aayega. Next, predominant tone of passage, neutral, optimistic, censored, concerned. Acha, kya kya pad raha hu main? Optimistic to kya hai ye, iski optimistic to nahi lag rahi, complimentary bhi nahi hai. Neutral, कंसर्न्ड हो सकता है, अमंग द टोटल न्यूट्रल में भी न्यूट्रल हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई खास बात ऐसी की नहीं है. ठीक है, इसमें ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं होगा, कंसर्न या न्यूट्रल में से एक होगा. सो कंसर्न तो मुझे लग नहीं रहा कि किसी तरह से कंसर्न हो किसी चीज के बारे में. ठीक है, कंसर्न लगाएं क्या या न्यूट्रल लगाएं? कंसर्न वैसे पता है क्या, ये है कि 55 कंट्रीज में बैन कर दिया, उसके बाद चलो कंसर्न लगाते हैं, और क्या, छोड़ो.
देखी जाएगी आएगा कि नहीं। द डैश ऑफ बुक समरी 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 मेडिसिन विल हैव बीन गिवन विल हैव बीन गिवन विल हैव गिवन ठीक है विल गिव विल हैव गिवन विल हैव गिवन विल हैव बीन गिवन ठीक है। सो नेक्स्ट पारुल चौधरी वॉन अ गोल्ड मेडल इन चाइना पारुल चौधरी ये थोड़ी दिक्कत है मे बी शूटिंग हो सकती है और तो क्या शूटिंग में हो सकती है पारुल चौधरी ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड पीएम विश्वकर्मा स्कीम बेनिफिशियरी क्या है ट्रेडिशनल आर्टिजन्स होंगे। नेक्स्ट इंडिया इज नाउ द 13th नेशनल नेशन ऑथराइज्ड टू इशू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट हेडक्वार्टर ऑफ OIML लीगल मेट्रोलॉजी इसका मेरे को कुछ आइडिया नहीं भाई ये गलत हो सकता है क्वेश्चन मेरा खामखा में लेकिन जिनेवा मेरा जिनेवा या पेरिस में से एक लगाने का मन कर रहा है ठीक है ना। चलो फिर सोप्स इन सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर कॉमनली यूज्ड एज क्लींजिंग एजेंट सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन एल्कोहल और हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज लॉन्ग चेन एल्कोहल और हाइड्रोकार्बन्स कटायनिक डिटर्जेंट स्कोरिंग सोप नॉन आयनिक नॉन आयनिक तो शायद सल्फोनेटेड है नॉन आयनिक तो शायद ही ना हो। चलो लगाते हैं इसी को लगाते हैं छोड़ो। ग्लेशियर एक्ट एज सर्फ सोर्स ऑफ रिवर ड्यू टू विच अमंग द फॉलोइंग फिनोमेना वेपराइजेशन सब्लिमेशन कंडेंसेशन रेगुलेशन रेगुलेशन क्या होता है पुनः संघनन तो नहीं वाष्पीकरण पुनर्हिमायन हो सकता है दोबारा दोबारा रेगुलेशन कंडेंसेशन सब्लिमेशन वेपराइजेशन वो होना था ना इधर क्या बोलते हैं उसको चलो इसको देखते हैं फिर ये होगा क्या। विच फीमेल रूलर ऑर्डर्ड कॉइन टू बी मिंटेड विद हर टाइटल एज पिलर ऑफ वुमेन एंड क्वीन ऑफ द टाइम्स क्वीन ऑफ द टाइम्स समय की रानी कोई कोई इसमें से मेरे को अंदाजा नहीं पर रजिया सुल्तान लगाते हैं चलो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग रिजिड बॉडी डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिपेंड्स ऑन क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन शेप एंड साइज ऑफ बॉडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनर्शिया तो शायद सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा ना शेप एंड साइज पे करेगा क्या चलो फिर ऑल ऑफ दी वो लगाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बांग्लादेश के साथ अरुणाचल नहीं करता है ना ठीक है पोषण अभियान ठीक है 2018 एनीमिया यंग चिल्ड्रन वुमेन एडोलेसेंट स्टंटिंग अमंग चिल्ड्रन स्टंटिंग यानी बोनेपन को कम करना है। तीसरा नहीं आएगा आई थिंक पहला दूसरा आएगा या फिर सीधा दूसरा हो सकता है क्योंकि 2018 में तो शायद नहीं 16 में किया होगा ठीक है मे बी 16 हो सकता है
पर तुक्का मार के देख लेते हैं, ठीक है? तुक्का मार के देख लेते हैं। एक्वारेजिया, एक तीन होता है ना, एक तीन होता है। एक तीन या तीन एक, एक मिनट यार मैं ये भूल गया। HCl बहुत पावरफुल होता है, सो तीन एक होता हो शायद। तीन एक में होता हुआ, एक तीन होता, तीन एक होता हुआ आई थिंक। नेक्स्ट आर्टिकल सिक्स प्रेजेंट सेटिस्फाई देयर सिचुएशन एज अराइज में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रेडिट फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी 52/56 होता है ना। आई थिंक 52 होगा ना, ये भी नहीं पता, ये भी मेरे को नहीं पता यार। आरती प्लेस्ड अ ग्लोइंग स्प्लिंट इन अ टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद गैस एक्स, द स्प्लिंट गॉट रीलाइटेड। स्प्लिंट हाइड्रोजन हो सकती है, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम को, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। फर्स्ट ही आएगा फिर तो, ठीक है ना। उसके बाद विच एम्पायर इंडिया वॉज ट्रांस रिफर टू एज किंगडम ऑफ बिस्नाग बाय द पोर्टुगीज, बिस्नाग ही होगा, बिस्नाग साम्राज्य। पुर्तगाली, मराठे तो उनके बाद आए थे शायद, है ना, बाद में थे या पहले थे? बिस्नाग विजयनगर में भी, विजयनगर हो सकता है, उस टाइम विजयनगर एम्पायर था या खत्म हो गया था, खत्म होने वाला था शायद। चलो नेक्स्ट इटालियन ग्रां प्री, पेरेज हो सकता है, सारे के सारे ही हो सकते हैं भाई। वर्स्टैपन हो सकता है, सर्गियो पेरेज भी हो सकता है, या फिर हैमिल्टन। इसको नहीं लगाएंगे, छोड़ो। फर्स्ट हंगर स्ट्राइक इन इंडिया, खेड़ा सत्याग्रह, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इक्वल्स द प्रेशर सराउंडिंग द लिक्विड एंड लिक्विड चेंजेस इनटू अ वेपर। The boiling point of a substance temperature, highest boiling point, tungsten का होता होगा, equals the pressure आई थिंक टंगस्टन का होता होगा, और तो क्या। चलो नेक्स्ट चलते हैं। कंसिडर अ फूड चेन कंसिस्टिंग ऑफ ग्रास, ग्रासहॉपर, रेट, स्नेक, हॉक, कैन बी एपेक्स प्रेडेटर। एपेक्स तो फिर कौन होगा, हॉक होगा ना, हॉक होगा, बाज, ठीक है। सदस्यता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कम नहीं होनी चाहिए, किससे, 30 से कम नहीं होनी चाहिए, 25 होती है लोकसभा, राज्यसभा होती है 30। So next, कौन सा खेल प्रत्येक 11 खिलाड़ियों वाली टीम के बीच में नहीं खेला जाता है? हॉकी, फुटबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बेसबॉल नहीं खेला जाता होगा। नदी उत्सव, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, मिनिस्ट्री मैपिंग, NGCA, नव उत्सव सितंबर 2000, इसका मेरे को नहीं पता। आइडिया ऑफ नेशनल वाइड GST फर्स्ट प्रपोज बाई डैश, ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस इन 2000।
केलकर टास्क फोर्स केटीएफ या अरुण जेटली या चंद्रशेखर, इसका कोई आइडिया नहीं भाई मेरे को। पर जेटली लिखाऊं क्या, अरुण जेटली, जेटली लगा सकते हैं वैसे तो, है ना। चलो नहीं, एक 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 जाएगा, एक बेमतलब में जाएगा। इंडिया साइंड एंड कंपासिंग डाइवर्स एविएशन सेक्टर एक्सपेक्ट टू स्ट्रेंथन सिविल एविएशन कॉपरेशन विद द फॉलोइंग कंट्रीज, न्यूजीलैंड, नेदरलैंड्स। न्यूजीलैंड में भी, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड हो सकता है। नेक्स्ट पर्पज ऑफ साइमन कमीशन अराइव्ड इन, इतना टू रिव्यू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म्स, ठीक है। ड्यूरिंग डाइजेशन स्टार्च इज पार्शियली ट्रांसफॉर्म टू माल्टोज बाई पेनक्रियाटिक और सेलाइवरी एंजाइम, विच एंजाइम कन्वर्ट स्टार्च इन टू माल्टोज, माल्टेज, जाइमेज, इनवर्टेज, माल्टेज होता होगा, गायस्टेज, ठीक है। सो कितने क्वेश्चन छोड़े, एक दो तीन। सो नेक्स्ट, अब की बार थोड़ी गड़बड़ तो रही है यार वो, तो देखते हैं विच फंक्शन की स्पेल, ग्रामर चेक है। F7 इंटरनेट सर्विस यूज है, स्टैंडर्ड फोन लाइन, स्लोएस्ट कनेक्शन, डायल अप, यूज टू ऐड क्लिप बोर्ड, क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट, इंसर्ट, डिजिटल इंटरफेस डेवलप टू कनेक्ट हाई डेफिनेशन डिवाइस सच एज डिजिटल कैमरा, हाई डेफिनेशन, HDMI, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज इन एयर ट्रैफिक वर्चुअल रियलिटी, हर एक में। स्टेटमेंट इज करेक्ट, कर्नल इज सेंट्रल ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्रिज बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एप्लीकेशन फॉर मैनेजिंग डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, स्पेसिफिक पेज टाइप क्रिएटेड मार्केटिंग कैंपेन दैट ड्राइवर्स विजिटर्स टू यूज अ स्पेसिफिक एक्शन एंड वेब पेज, मार्केटिंग कैंपेन, स्पेसिफिक एक्शन, लैंडिंग पेज है ना, फाइल मैनेजर, एप्लीकेशन इंक्लूडेड विद सॉफ्टवेयर, इतना। कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर तो नहीं यार, विंडो एक्सप्लोरर होता है शायद, इंटरनेट का कोई ब्राउजर है ना, नॉट एन, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इंटरनेट का नहीं, इसको छोड़ देते हैं, विंडो एक्सप्लोरर या ये लगाएं, नॉट एन आउटपुट डिवाइस, हेडफोन, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन तो एक आउटपुट डिवाइस है ना। शॉर्टकट की यूज टू स्प्लिट अ टेबल, स्प्लिट, पता नहीं। कैन बी अप्लाइड इन विच सेक्शन, MS PowerPoint, लेआउट, मास्टर हैंडआउट व्यू, स्लाइड शो व्यू, एप्पल, सफारी है, ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट, ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट, विंडो XP, फिर विस्टा 7, विस्टा XP 7.8, नॉट अ वर्म वायरस, क्या कार फेस्ट, पता नहीं। माइक्रो प्रोसेसर है ना ये, यू हैव कंप्लीटेड टास्क वर्किंग ऑन, इतना वर्ड फाइल यू वांट टू प्रिंट, रियलाइज माउस नॉट वर्किंग, कंट्रोल पी से करेंगे यार। इज एडिशन ऑफ वन ऑफ मोर एक्स्ट्रा बिट्स टू स्टोरेज यू नो टू मेक इट कंफर्ट कंफर्म टू अ स्टैंडर्ड साइज, इज द एडिशन ऑफ वन और मोर एक्स्ट्रा बाइट्स, पैडिंग, सर्फिंग, लूपिंग या बूटिंग, पैडिंग होता होगा ना, इनकरेक्ट, वाई ऑल ओनली
ठीक है। सारे का सारे ठीक है, गलत क्या है? आई थिंक यही होगा फिर तो। टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप, फुट नोट ग्रुप एंड रिसर्च ग्रुप आर प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ द वर्ड एमएस वर्ड। नहीं पता है। नेक्स्ट चलो, अमंग द नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑन एन टेस्ट ड्राइव। नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, ट्रैक्स, रेडियन, ट्रैक्स होते होंगे ना, रेडियन क्लस्टर सेक्टर तो नहीं है ना। ओके सो सबमिट टेस्ट। गड़बड़ तो है यार आज, आज का टेस्ट थोड़ा गड़बड़ गया, लेकिन लेट्स सी क्या मार्क्स बनते हैं। बहुत तो कम आएंगे ना मार्क्स। अरे बच गया। ओके मैथ्स में देखो, 8 क्वेश्चन में नहीं कर पाया मैथ्स में, ठीक है। 1 क्वेश्चन रीजनिंग में नहीं किया, पहली बार ऐसा हुआ इसमें और इसमें नहीं किया। चलो यानी कि 8 और 1 नौ क्वेश्चन और कर देता, 9 3 27 नंबर और आते। चलो जो भी है स्कोर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तब तक के लिए पढ़ते रहो।